अब भोपाल से दिल्ली रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। जी हाँ, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल से दिल्ली के लिए देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन है। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन का समय सुबह 5:55 पर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होगा। दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। वहीं दोपहर 2:45 पर दिल्ली से चलेगी और रात 10:35 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ जाएगी। इस दौरान इसको 7:50 का समय लगेगा। अन्य ट्रेनों के मुकाबले ये 3 घंटे कम में सफर तय करेगी। ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलेगी। इसकी शुरुआती स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। हालांकि सब जगह के रेलवे ट्रैक की कंडीशन से अलग अलग होने के कारण शुरुआत में ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। इस ट्रेन के कोच अत्याधुनिक सुविधाओं और खूबियों से भरे हुए हैं। इसके किराए की बात करें तो ऐसी चेयर कार के लिए निजामुद्दीन से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको 1665 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार के लिए निजामुद्दीन से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाने के लिए 3120 रुपये का टिकट लेना होगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।